अभी हम चकिया SRAP कॉलेज गेट के सामने है जो NH 28 पे है। यहाँ पे कुछ छात्रों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का हमने कारण जाना तो इनका कहना स्पष्ट है, जबकि यूनिवर्सिटी द्वारा एकाएक मतलब छात्र का जो फी होता है उसको दुगुना कर दिया जाता है और दुगुना करने का कारण इन लोग को जानना चाहेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मध्यवर्तीय लोग पढ़ते हैं और मध्यवर्तीय मतलब लोगों पे इस तरह से मतलब ठीक है दुगुना करना कितना सही और कितना गलत है इन लोग से भी हम जानना चाहेंगे, जो कि मध्यवर्तीय जो परिवार है उसका इनकम अभी जो युग चल रहा है 10-12 हज़ार ही हो पाता है और 10-12 हज़ार में ही मतलब अपना कंप्रोमाइजिंग करना पड़ता है। जो महंगाई का युग है इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहिए, क्या कहना चाहिएगा सन्नी जी आप, मतलब जो फीस बढ़ोतरी हुआ है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए सारा सर, ये जो फीस बढ़ोतरी किया गया है महाविद्यालय के द्वारा, छात्र को लूटने का काम किया जा रहा है। बताइए यहाँ पे 100-200 का बात नहीं है, जो एडमिशन पहले 1500 से 1600 रुपये में होता था उसको बढ़ा के सीधा 4000 के करीब कर दिया गया है। उससे गरीब परिवार का बच्चा पढ़ पाएगा इस महाविद्यालय में या उससे रिलेटिव जितना भी कॉलेज है उसमें अपना नामांकन ले पाएगा? जिसके पिताजी 300 से 400 पर जाके मजदूरी दिहाड़ी करते हैं वो आपके महाविद्यालय में कैसे आके 4000 रुपया आपको देगा? और एक बार दुगुना से अधिक रुपया बढ़ाने का क्या कारण पड़ गया है? क्या आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं? आप जो चाहिएगा वही होगा, ये एक सरकारी संस्था है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चे आते हैं इस सरकारी यूनिवर्सिटी में इसलिए आते हैं पढ़ने कि हमारा फी कम लगेगा, मेरा एडमिशन चार्ज कम लगेगा, मेरा रजिस्ट्रेशन चार्ज कम लगेगा, इसीलिए इस महाविद्यालय में लोग आके एडमिशन कराते हैं। अब सीधा इस फीस को दुगुना से अधिक कर दिया गया है, बताइए कोई गरीब घर का बच्चा आके पढ़ाई करेगा आगे? अच्छा, जो इनका कहना है कि फीस बढ़ोतरी की गई है उस पर आंदोलन लोग कर रहे हैं, ऐसे ही कोई इस धूप में और इस NH पे खड़ा नहीं हो जाता है। जब गरीब बच्चों का जब फीस बढ़ जाता है और जबकि गरीब बच्चे अफेयर उसको नहीं कर पाते हैं तो यही धारणा मतलब कर रहे हैं जो हनुमान पांडे का लोग पिछला दहन कर रहे हैं। इस हनुमान पांडे को हम जानते हैं कि इस फीस बढ़ोतरी से कोई मतलब इनको मतलब नहीं है और इस फीस बढ़ोतरी से शायद इनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं गरीब बच्चे पे जो फ़र्क पड़ेगा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गरीब बच्चे इससे परेशान है, जो गरीब परिवार है उस पर कहीं ना कहीं चोट लगा हुआ है। जो महंगाई का दौर बेरोजगारी का दौर चल रहा है इसमें फीस बढ़ोतरी करना कितना सही और कितना गलत है और कॉलेज की भी समस्याओं को हम दिखाएंगे लगातार, देख रहे हैं ये लोग किस तरह से रोड को जाम किए हुए हैं और रोड का जाम इसलिए किए हुए हैं कि फीस बढ़ोतरी की गई है। ये मतलब कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया है यूनिवर्सिटी का, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, जो मतलब एकाएक फीस को बढ़ा दिया गया, एकाएक पढ़ाने से गरीब छात्रों पे मार झेलना पड़ रहा है और ये लोग नारा जो लगा रहे हैं गगनभेदी नारे, मतलब कहीं ना कहीं इनका नारा लगाना उन लोग का भी अपना कर्तव्य बनता है कि अगर फीस बढ़ोतरी हो तो कोई प्रदर्शन कर सकता है। और इस सिलसिले में हनुमान पांडे का पुतला दहन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से हनुमान पांडे का फोटो लगा हुआ है और नीचे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, पुतला को आग लगा दिया गया है और लोग प्रदर्शन जारी रखे हैं। मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आइए इधर क्या कहना चाहिएगा, क्या कुछ कहना चाहिएगा? कहना यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है छात्रों के साथ शोषण कर रही है, आर्थिक शोषण कर रही है, वो एक ऐसा नियम लाई है जो जिससे सभी कॉलेजेस में सेम फीस लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि समानता से सिर्फ काम नहीं चलता है, समता के सिद्धांत पर भी अपना काम करना चाहिए। मतलब कि सभी कॉलेज जो है ना, सभी कॉलेज अमीर नहीं है, कुछ कॉलेजेस गाँव क्षेत्र में पढ़ते हैं जहाँ पर गरीब छात्र भी पढ़ने आते हैं, वो 4000 के लगभग में जो फीस लग रहा है वो कहाँ से दे पाएंगे? हनुमान पांडे को हम जानते हैं कि 3000 फीस उनके लिए ज़्यादा नहीं है इसलिए उनको फर्क शायद नहीं पड़ता होगा, अगर वो फीस की बढ़ोतरी अगर कम नहीं करते हैं तो फिर क्या करिएगा आप लोग? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, उनको अगर सोचना चाहिए कि अगर सब कॉलेज में समान फीस करेंगे तो ये कैसे होगा, कोई कॉलेज में जो है कि फंड की कमी है वहाँ पर पैसा ठीक से नहीं पहुँच पाता है, वहाँ गरीब छात्र नहीं पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे तो यहाँ आते नहीं हैं और बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि शहर में पढ़ते हैं, वो उनकी स्थिति थोड़ी ठीक ठाक है, वहाँ पर इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन SRAP कॉलेज जैसे कॉलेज जो है वहाँ पर गरीब छात्र आते हैं और 4000 सबके लिए सेम नियम करना सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसीलिए उनको हनुमान प्रसाद पांडे को सोचना चाहिए गरीब छात्रों के लिए और फीस में कमी करना चाहिए कॉलेज को देखते हुए।